हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की 11.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। कौन सा इसमें से प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, ये हमें जानना है। तो चलिए, हम जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, जो कार्बन सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ हो और उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर अगर OH लग जाए तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उस पर अगर OH लग जाए तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और टर्सरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उस पर अगर OH लग जाए तो टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। देखिए, ये वाला जो दिख रहा है पहला क्वेश्चन हमें, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन पर OH लगी, इसलिए इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग ये वाला देखिए, यहाँ पे जो अल्कोहल है इसमें ये वाला कार्बन देखिए प्राइमरी है, क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक कार्बन लगा हुआ है इस साइड में, ये वाला एक कार्बन और तो है नहीं, एक ही कार्बन लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, और साथ साथ आप एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो अल्कोहल है यहाँ पे, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और यहाँ पे जो एक कार्बन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में लगा हुआ है, और ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर OH लगता है और उसके बगल में अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो तो उसे हम एलाइल अल्कोहल कहते हैं, एलाइल। ओके, तो ये एक एलाइल अल्कोहल के साथ साथ प्राइमरी अल्कोहल भी है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो बहुत सारा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन पे ये OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसमें एलाइल का होने का संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है और इस बॉन्ड लाइन नोटेशन बेंजीन रिंग में इस जगह में भी तो एक कार्बन है, तो इसका मतलब ये कार्बन, ये वाला कार्बन टोटल एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन पे अगर OH लग जाए तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल का तो उदाहरण है। अब साथ साथ देखते हैं कि क्या ये एक एलाइल अल्कोहल हो सकता है। एलाइल अल्कोहल होने के लिए हमें सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखना है और उसके साथ उसके बगल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो देखिए, ये वाला कार्बन तो डबल बॉन्डेड है और इसके जस्ट बगल में जो ये कार्बन लगा हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है, इसका मतलब ये एक एलाइल अल्कोहल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये देखना है हमें कि ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है। ये कार्बन देखिए, ये इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, मतलब ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन पे अगर OH लग जाए तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब साथ साथ ये भी देख लीजिए कि ये क्या एक एलाइल अल्कोहल का उदाहरण हो सकता है। जो देखते हैं क्या है, देखिए ये वाला कार्बन तो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये वाला कार्बन जो हमारा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस कार्बन पे अगर OH ग्रुप होता तब तो हम इसे एलाइल अल्कोहल कह सकते थे, लेकिन ये तो उसके बाद वाला कार्बन पे है, इसका मतलब ये एक एलाइल अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये एक सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण है। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है वो कौन सा है। वो वाला कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है वो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन पे OH लग जाए तो टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या ये एक एलाइल अल्कोहल हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला कार्बन तो डबल बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन ये है डबल बॉन्ड का, तो इसका मतलब ये एक एलाइल अल्कोहल का उदाहरण है। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एलाइल अल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक है।